द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बुक वन एंड बुक टू ये दो पीडीएफ मटेरियल है। बहुत हाई डिमांड पर मैंने इस पीडीएफ को बनाया है और आगे भी अभी दो पीडीएफ बाकी है, बुकलेट थ्री एंड बुकलेट फोर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूं, बुकलेट वन जो कि 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बुकलेट टू 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो कि आपने यहां स्क्रीन पर देखा, बुकलेट थ्री जो कि 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि डेटा पार्ट होंगे वो ये होंगे, बुकलेट थ्री बेस्ड ऑन डेटा एमसीक्यूज एंड क्यूआईक्यू विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, एंड बुकलेट फोर जो होगा वो 200 क्वेश्चंस होंगे जो कि मॉक टेस्ट के बेसिस पर बनाए जाएंगे। इस स्लाइड में मैंने ये लगाया हुआ है बुकलेट वन एंड बुकलेट टू। बुकलेट वन में टोटल 300 क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व पेपर है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर है और एक मॉडल पेपर है जो कि उसको भी सॉल्व करके दिखाया गया है। दिसंबर 2023 एंड जून 2024 दो पेपर है, इन दोनों पेपर्स को सॉल्व किया गया है। जून का जो पेपर है, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उस एग्जामिनेशन के पेपर को सॉल्व किया गया है। तो इसमें टोटल 300 क्वेश्चंस है और 300 क्वेश्चंस की जब डिटेलिंग की गई है तो उसमें न जाने कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि कमिंग एग्जामिनेशन को कवर करने के लिए इतने ही काफी है। बुकलेट टू इसमें टोटल 500 प्लस क्वेश्चंस है और इस 500 प्लस क्वेश्चंस में क्या क्या है, 100 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कवरिंग की कॉन्सेप्ट ऑन लाइफ टेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड क्यूआईक्यू, 428 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ऑथर नेम एंड देयर थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट डेज एंड वीक्स, ये जो मैंने वीडियोस में बताए हुए थे वही इसमें कवर किया गया है। टोटल ये 528 क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें कहीं कहीं आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं। सपोज कि आपने किसी पेज पर 10th नंबर क्वेश्चन देखा और वही 10th नंबर क्वेश्चन जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है, हो सकता है कि उसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट से 50 नंबर क्वेश्चन आ गया हो या सेम वही क्वेश्चन आगे किसी क्वेश्चन नंबर में आया हो बट उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ अलग तरीके से की गई हो, तो आपको एक माइंड में एक ट्विस्ट करेगा और मेन बात यह है कि रिकॉलिंग भी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरीके से उसको सेट किया गया है कि आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे हुए के भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन के पेपर में भी दिखते हैं और यहाँ पर भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो टोटल यहाँ पर बुक वन और बुक टू मिला करके 800 क्वेश्चंस होते हैं और आप सिर्फ क्वेश्चन पर मत जाइए, इसके एक्सप्लेनेशन में जिस तरीके से चीजें अरेंज की गई हैं, कलेक्ट की गई हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ये तो बात हो गई बुक वन एंड बुक टू की। बुक थ्री के बारे में मैंने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही बता ही दिया, इसको आप एक्सेस कर पाएंगे गूगल फॉर्म के थ्रू जो कि इस पर मैं क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको ये सभी पढ़ना है, यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज कोर्स मटेरियल फॉर दिसंबर 2024, यहाँ पर मेरा एक मैसेज है, पढ़ सकते हैं। अब जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे वहाँ पर दिखाई देगा, अब इससे फेमिलियर होंगे, मुझे नहीं लगता कि इसको बताना चाहिए, फिर भी मैं एक डेमो दे देता हूँ। मैंने पहले से ही इसमें फिल किए हुए हैं इसलिए मेरा नाम यहाँ पर दिख रहा है, नेम आपको इस तरीके से लिखना है, मोबाइल नंबर अपना मोबाइल नंबर इसमें लिख सकते हैं, वैलिड ईमेल आईडी आपको ईमेल आईडी यहाँ लिखनी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कंप्लीट किया है या फिर अभी आप पढ़ रहे हैं, मास्टर डिग्री मैंने यहाँ पर बीएचयू लिखा हुआ है, मैंने बीएचयू से ही पढ़ाई कंप्लीट किया है इसलिए मैंने अपना नाम बीएचयू लिखा हुआ है। आपका सब्जेक्ट कौन सा है, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अमूमन क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट के लोग पॉपुलेशन स्टडीज में एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी एग्जामिनेशन देते हैं, सोशियोलॉजी जैसे हो गया, तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट है और आपने पॉपुलेशन स्टडीज से यूजीसी नेट अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर अगर क्लिक करके और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा मेंशन कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ये नहीं करूँगा, मैं स्टैटिस्टिक्स क्लिक किया है मैंने और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पूरा प्रोसीजर दिखाई देगा कि बुक वन टू थ्री एंड फोर जो कि पहले ही बताया है मैंने पीपीटी में यहाँ पर लिखा गया है, तो बुक वन एंड टू ये दोनों अभी अवेलेबल हो चुका है। तो अभी से पहले तक जिन लोगों ने भी प्लेस किया था ऑर्डर उनको सिर्फ बुक वन मैंने शेयर किया था, बाद में 10th नवंबर को मैंने बुक टू शेयर किया है, बट 10th नवंबर के बाद जो लोग भी इसको ऑर्डर करेंगे उनको एक साथ इन बुक वन एंड बुक टू को शेयर किया जाएगा।
बुक 3 20th नवंबर 2024 का मैंने डेट रखा है, आगे पीछे हो सकता है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। बुकलेट 4 जो है वो 200 मॉक टेस्ट होंगे, क्वेश्चन होंगे, विद आंसर की होगा, जो कि एग्जामिनेशन जब भी डिक्लेयर होगा, एग्जामिनेशन का डेट जब भी शेड्यूल होगा, उस एग्जामिनेशन डेट से 15-20 डेज के भीतर इस पेपर को मैं सेंड करूंगा, ताकि आपने जो भी यहां से प्रिपेयर किया है, इसके अलावा आपने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने मेंशन किया हुआ था वीडियो में भी, कि आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन पेपर को भी आपको देखना है, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है और उसको आप कैसे टैकल कर पा रहे हैं। तो ये तरीका हो गया बुक 1, 2 एंड 3। बुक 4 में 200 होंगे, सॉरी मॉक टेस्ट होंगे, जो कि 15-20 डेज, इसके मतलब पहले मैं प्रोवाइड करूंगा जब भी एग्जामिनेशन का डेट शेड्यूल होगा। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस इसका मैंने 999 रखा है, प्लस कुछ पेमेंट गेटवे चार्ज है जो कि 40 रुपीज है। ये 40 रुपीज कम्प्लीट नहीं है, अराउंड 37 और 38 रुपीज समथिंग कुछ है, इसको मैंने राउंड फिगर में 40 करके 1039 इसको रखा है। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको सबसे पहले ये बुक 1 एंड 2 दोनों एक साथ दिया जाएगा। जिन लोगों ने पहले ऑर्डर प्लेस किया था उनके पास ये दोनों बारी बारी से पहुंच चुका है। आपको बुक ईमेल आईडी पर भी शेयर किया जाएगा, और जनरली ये जो होगा वो सेम डे में ही होगा, आपको प्लेस किया जाएगा, बट आप कम से कम 10 PM रात के 10 बजे से 10 बजे तक आप इसका वेट करिए, आपको सेम डे में मिल जाएगा। इतना करने के बाद में आपसे एक यहाँ पर क्वेरी होगा, आर यू सेटिस्फाइड विद द लर्निंग प्लान, यस करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही पेमेंट का लिंक आएगा, यहाँ पर बताया जाएगा स्टडी मटेरियल 999, पेमेंट गेटवे चार्ज 40 रुपीज एंड टोटल अमाउंट 1039। आपकी चॉइस के ऊपर है, आप पेमेंट 1 पर जाते हैं, सॉरी पेमेंट लिंक 1 पर जाते हैं या लिंक 2 पर जाते हैं। किसी भी लिंक पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में क्लिक हियर टू पे, रेजर पे द स्पॉलर्स ग्रुप यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है और यहाँ से पेपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आपके पेमेंट एप्लीकेशन पर ले जाएगा और वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट यहां पर अटैच करना है, ऐड फाइल, एंड देन वेदर द पेमेंट इज सक्सेसफुल, यस यहां से नेक्स्ट करेंगे हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप यहां पर अटैच नहीं करेंगे ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं इसको अटैच नहीं करूंगा, और मैं जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा यहाँ पर ये एक मैसेज देगा, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ये रिक्वायर्ड है, और जब तक ये अटैच नहीं होगा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ से नेक्स्ट होने के बाद में एक ऑप्शन और आएगा, क्लिक हियर टू एग्जिट, क्लिक करके एग्जिट कर लेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये इतना प्रोसीजर है और बिल्कुल सिंपल का प्रोसीजर है, मैंने स्टार्टिंग में इसको नहीं बताया था कि किस तरीके से करना है। आप सभी लोगों को पता होगा कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, गूगल फॉर्म पर कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद में उसकी एक्सेसिंग कैसे करते हैं। तो उसी तरीके से मैंने भी किया है कि मेरे पास ईमेल आईडी आ जाए और मैं उस ईमेल आईडी पर भी आपको मटेरियल को सेंड कर दूं। बस ये छोटा सा प्रोसीजर है। तो उम्मीद है कि जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रो लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे पीडीएफ मटेरियल को परचेज भी करके प्रिपेयर कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन होने में ऑलमोस्ट अभी तक डेट नहीं आया है, फॉर्म भी नहीं आया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम 2 मंथ तो है ही आपके हाथ में, और एक स्पेसिफिक मटेरियल के साथ आप प्रो लेवल की प्रिपरेशन तो आप कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।